हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कक्षा 6 के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर की, पहले अध्याय की। तो प्यारे बच्चों, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, वो अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप एक बार जब सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आपको जो वीडियो आएंगी वो आपको पता चलते रहेंगे, और जिससे आपके जो पढ़ाई क्रम से आपको एक एक क्लास मिलता रहेगा। प्यारे बच्चों, तो आइए आपके क्लास को, आपके टाइम को नुकसान ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? दैनिक जीवन में विज्ञान। यानी विज्ञान पढ़ने वाले हैं तो हम लोग विज्ञान का दैनिक जीवन का मतलब क्या होता है कि आसपास, यानी हम लोग जो जीने के लिए, दैनिक का मतलब होता है रोज़, जो जीवन जीते हैं, जो जीवन जी रहे हैं ना, उस जीवन जीने के लिए विज्ञान का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। वहाँ प्यारे बच्चों, तो आइए दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले विज्ञान जानते हैं, क्या जानते हैं? विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, जो मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य की जिज्ञासा होती है, जो जानने की इच्छा होती है, वही आपकी क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। तो एक लाइन में इसको अगर लिखना चाहेंगे तो जरूर लिखेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है क्वेश्चन, विज्ञान क्या है? ठीक, जैसे क्वेश्चन उठा विज्ञान क्या है, तो इसका जवाब क्या देंगे कि मनुष्य की जिज्ञासा ही, मनुष्य के जानने की इच्छा ही, मनुष्य के जानने की इच्छा, जानने की इच्छा ही विज्ञान कहलाती है। जानने की इच्छा ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, जो जिज्ञासा होती है, जो इच्छा होती है, वही आपकी विज्ञान कहलाती है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई एक लड़की हो गई या कोई एक लड़का हो गया, कोई एक लड़की ही लेके चलते हैं, लड़का कहानी या कोई भी आप मान सकते हैं, कोई एक विद्यार्थी हो गया, वो अपने माँ से एक दिन पूछता है, मान लेते हैं उस विद्यार्थी में वो लड़की का नाम सीमा, गीता, जो भी रख सकते हैं, तो उस लड़की का नाम सीमा था। क्या था? सीमा था। अब वो जो सीमा नाम की लड़की थी, वो अपने माँ से एक दिन पूछती है, क्या पूछती है जानते हो? वो पूछती है, माँ ये बताओ चिड़िया कैसे उड़ती है, चिड़िया कैसे उड़ती है। तो जो कैसे लगाई ना, वो कैसे यानी जानने की इच्छा हुई, उस सीमा को जानने की ये इच्छा हुई कि क्या चिड़िया जैसे उड़ सकती है वैसे हम लोग नहीं उड़ सकते। फिर वो कुछ ही समय बाद अपने माँ से दूसरा क्वेश्चन पूछती है, क्या पूछती है? पूछती है, माँ जो ये कुकर में जो भोजन पकते हैं वो कैसे इतने जल्दी पक जाते हैं, उतने जल्दी कढ़ाई में नहीं पकता, उतने जल्दी आपके और नहीं पकते, दूसरे बर्तन में नहीं पकते, जितने जल्दी गैस चूल्हे में पक जाते हैं। फिर कुछ ही समय शांत रहती है, फिर जानने की इच्छा होती है, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछती है माँ से कि माँ कि जब हम किसी वस्तु को, जब हम किसी वस्तु को, जब किसी फल या गेंद या किसी कोई भी गेंद हो, जब किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे उछालते हैं, तो वो माँ क्यों जमीन पे ही आके गिर जाती है? सीमा क्या अपनी माँ से पूछती है कि माँ जब किसी गेंद को, जब किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्यों नीचे आके गिर जाती, क्यों ऊपर नहीं जाती? तो सीमा के ये जो सीमा के मन की जो जिज्ञासा है, जो सीमा के अंदर ये जानने की जो इच्छा उठ रही है, वही इच्छा क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। बातें समझ में आई? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो उसकी माँ होती है, उसकी माँ उसको वहाँ डांट देती है, क्यों? क्योंकि उसके माँ को ये बातें नहीं पता है कि कुकर में भोजन क्यों जल्दी पक जाते हैं, और जो गेंद ऊपर फेंकते हैं तो क्यों ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता है। तो वो जो सीमा थी, वो इस प्रश्न का जवाब बिना जान, इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए वो अपने मैडम जी से पूछती है, अपने मैडम जी से पूछती है, शिक्षिका जी से पूछती है, क्या पूछती है कि मैडम जी ये बताइए कि जब हम किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या जब किसी पेड़ से फल टूट के गिरता है तो क्यों जमीन पे ही आके गिरता, क्यों ऊपर नहीं चला जाता? तो उनकी मैडम जी, शिक्षिका जी जवाब देती हैं कि सीमा सुनो, एक विज्ञान में नियम है,
विज्ञान में क्या नियम है, सर आइजेक न्यूटन उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है एक बल लगाती है, पृथ्वी क्या लगाती है, एक बल लगाती है, जिस बल के कारण जो जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो पृथ्वी जिस बल से खींचती है उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सीमा को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि जब कोई ऊपर की तरफ फेंकते हैं वस्तु को तो वस्तु जमीन पे क्यों गिर जाती है, क्योंकि पृथ्वी एक बल लगाकर उसे खींच लेती है, उस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार सीमा को अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया, उसी प्रकार इस चैनल पे देखने वाले छोटे छोटे जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे उनको ये जवाब जरूर मिल गया होगा कि विज्ञान क्या होता है। तो ये प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग कहीं आपके बगल कोई घटना घटित होती होगी, जैसे कोई की घटना घटित हुई, तो घटना घटित हुई तो उसको आप पूछते होंगे कैसे हुआ, कौन किया, क्या किया, कैसे आया था, तो ये सब जानने की जो इच्छा होती है वही इच्छा ही आपकी क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। तो उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चों कि आपको विज्ञान की परिभाषा जरूर समझ में आई होगी। आइए अब हम लोग समझते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग क्या है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो अगली टॉपिक क्या है, ये क्वेश्चन, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अब विज्ञान अगर न होता तो इमेजिन कीजिए, अगर विज्ञान न होता तो आज तक हम लोग गैस चूल्हे पे भोजन पकाते कि नहीं पकाते, बताइएगा, पकाते। अगर विज्ञान न रहा होता तो गैस चूल्हा नहीं बनता, और गैस चूल्हा नहीं बनता तो भोजन हम लोग चूल्हे पे ही पकाते। तो विज्ञान के आने से गैस चूल्हा का आविष्कार हुआ, और गैस चूल्हा आ जाने से हम लोगों का जो भोजन होता है वो जल्दी से पक जाता है और धुआं भी नहीं होता, यानी वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या करते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग जो होता है गैस चूल्हे के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या होता है, विज्ञान का उपयोग गैस चूल्हे के रूप में करते हैं, चलिए दूसरा उपयोग अब बताओ, अगर विज्ञान न रहा होता तो क्या आज हम लोग जो मुंबई इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, सूरत इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, दिल्ली इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, अमेरिका इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, चलो मुंबई दिल्ली, आप लोग बहुत छोटे बच्चे होंगे मुंबई दिल्ली नहीं गए होंगे, कुछ बच्चे गए भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कोचिंग आप लोग जाते हैं, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो भी कॉलेज तो जाते नहीं होंगे, छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते होंगे, तो जब आप स्कूल जाते होंगे तो साइकिल ना रही होती तो आपको जाने में समय लगता कि नहीं लगता। तो विज्ञान की ही देन है प्यारे बच्चों, क्या कि विज्ञान के आ जाने से दूर हम लोगों को जाना रहता था वो हम लोग नज़दीक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या दूसरा उपयोग हो जाएगा, कि विज्ञान का उपयोग वायुयानों मतलब हवाई जहाज, एरोप्लेन, वाहनों में करते हैं। जैसे वाहन मतलब हो गया जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, ब्लोरो, जीप, बस, कार, स्कूटर, ट्रेन, ये सब क्या हैं, ये सब वाहन हैं, इनसे हम लोग जा सकते हैं। अब चलो जैसे तीसरा उपयोग क्या हुआ, विज्ञान का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे पहले हम लोग मम्मी पापा से बात कर पाते थे, जब मम्मी पापा कहीं दूर चले जाते थे तो हम लोग बात करने के लिए पत्र भेजते थे,
पत्र लिखते थे प्यारे बच्चों। अब क्या है, हम लोग पापा मम्मी सूरत हैं, मुंबई हैं, वीडियो कॉल करके देख ले रहे हैं, बात कर ले रहे हैं। तो क्या है, ये विज्ञान की ही देन है ना। तो विज्ञान का उपयोग दूर संचार क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो लिखेंगे विज्ञान का उपयोग संचार क्षेत्रों में भी किया जाता है। अब कहोगे सर संचार क्षेत्र क्या होता है, तो संचार क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे दूर सूचना भेजना हो, दूर सूचना भेजने के लिए भी किया जाता है, तो संचार क्षेत्रों में किया जाता है। ये बातें समझ में आई। अब तीसरा उपयोग क्या, सॉरी चौथा उपयोग क्या होता है, तो चौथा उपयोग जो होता है वो कहाँ पर करते हैं प्यारे बच्चों। तो विज्ञान का जो चौथा उपयोग होता है वो होता है टीवी। जैसे हम लोगों को अच्छे अच्छे कार्टून, अच्छे अच्छे मूवी देखना होता है, तो सब विज्ञान का ही देन है ना। तो मनोरंजन के क्षेत्र, मनोरंजन मिलता है, आनंद होते, खुशी होते हैं। जैसे आप लोग क्या देखते होंगे, जो भी देखते होंगे कार्टून मार्टून जो भी देख रहे होंगे, उसे देखने के बाद आप लोग को क्या मिलता है, खुशी मिलता है। तो उसी प्रकार विज्ञान, जो विज्ञान होता है, विज्ञान का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, मनोरंजन क्षेत्रों में करते हैं। विज्ञान का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में करते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसे कई प्रकार के विज्ञान के उपयोग हैं जो आप लोग दैनिक जीवन में करते होंगे प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों आपको ये दो चीज़ें जरूर क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं कि विज्ञान क्या है और दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है, तो आप लोग भी सीमा के जैसे जानने की इच्छा रखिए, हर एक चीज़ को पुटअप कीजिए प्यारे बच्चों। अगर कहीं भी आज के बताए गए टॉपिक में कहीं भी आपको दिक्कतें आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।